पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव गैंग रेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह तड़के 4:30 बजे सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को लखनऊ से उनके घर से गिरफ्तार किया है। लखनऊ सीबीआई ऑफिस में कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ चल रही है। अरविंद चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं इंडियन न्यूज संवाददाता हमारे साथ। अरविंद, सुबह तड़के गिरफ्तारी की गई है, वो भी घर से। विजय कंचन, कल जब डीओपीटी ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद तय हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होनी है और लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। और तड़के आज सुबह सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है और सेंगर को सीबीआई जो हजरतगंज के पास जो लखनऊ में ऑफिस है वहां पर रखा गया है। कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ की जाएगी बहुत विस्तार से और आज सीबीआई हो सकता है पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उनको कोर्ट में प्रस्तुत करे, उसके बाद फिर उनको रिमांड लेने की गुजारिश करेगी। जी अरविंद, लेकिन यहाँ पर बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 1 घंटे के अंदर बताने को कहा था कि गिरफ्तारी होगी या भी नहीं। इस पर तो योगी सरकार ने कहा कि सबूत नहीं है यहाँ पर हमारे पास, इसीलिए गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है अरविंद, की सुबह सुबह तड़के सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है। गंजन, निश्चित रूप से ये बात चौंकाने वाली है क्योंकि योगी सरकार ने इस पूरे मामले को जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, होम सेक्रेटरी और डीजीपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि अब हमने जो केस है वो सीबीआई को सौंप दिया है और अगर आगे की कोई कार्रवाई करनी है तो वो सीबीआई करेगी। और इसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई की गई है जब कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया है उनके लखनऊ स्थित आवास से। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद चतुर्वेदी ये जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह तड़के 4:30 बजे बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है।